हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये श्रृंखला नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस मॉड्यूल में हम नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे, जो दो सत्रों में कवर किया जाएगा। इस मॉड्यूल के भाग एक में हम निम्नलिखित सीखेंगे। NQAS मेजरमेंट सिस्टम। NQAS मेजरमेंट सिस्टम के विभिन्न तत्व। NQAS मेजरमेंट के विभिन्न तत्वों के बीच संबंध। इससे पहले कि हम NQAS मेजरमेंट सिस्टम के बारे में सीखना शुरू करें, आइए हम इस बारे में सोचने के लिए एक मिनट का समय लें कि गुणवत्ता में मापन क्यों महत्वपूर्ण है। ये वास्तव में काफी सरल है। अगर आप किसी चीज को नाप नहीं सकते तो आप उसे समझ नहीं सकते। यदि आप इसे समझ नहीं सकते तो आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप इसे सुधार नहीं सकते। आइए इसे एक सरल वास्तविक जीवन उदाहरण का उपयोग करके समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप रोजाना टहलने से अपने हिस्से का वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह मापना महत्वपूर्ण नहीं होगा कि आप हर दिन कितना चल रहे हैं, रोज कितने कदम चले, कितनी दूरी तय की? गुणवत्ता सुधार के बारे में है और माप सुधार का पहला कदम है। आइए हम अपनी बेहतर समझ के लिए मेजरमेंट को भी परिभाषित करें। स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में हम अपने दैनिक कार्य जीवन में विभिन्न चीजों को मापते हैं। टेम्परेचर, हाइट, वेट, बीपी, पल्स आदि। तो मेजरमेंट की सबसे सरल परिभाषा है, यह लक्ष्य के आकार, लंबाई, वजन, अन्य पहलुओं की क्षमता का निर्धारण करने का कार्य है। स्वास्थ्य क्षेत्र के वर्षों के अनुभव वाले विशेषज्ञों के साथ विभिन्न परिचालन दिशा निर्देशों, गुणवत्ता मानकों और परामर्श की समीक्षा करने के बाद NQAS मेजरमेंट सिस्टम विकसित की गई थी, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर HWC तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर लागू होती है। यह सबसे ऊपर एरिया ऑफ कंसर्न से शुरू होता है और सबसे नीचे चेक पॉइंट्स, और इसे विभिन्न डिपार्टमेंटल चेकलिस्ट के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जाता है। आइए समझते हैं कि यह मेजरमेंट सिस्टम कैसे काम करती है। NQAS स्टैंडर्ड्स के शीर्ष स्तर पर A से G तक 8 एरियाज ऑफ कंसर्न हैं और इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के कामकाज की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल हैं। वे हैं A सर्विस प्रोविजन या सेवा प्रावधान, B पेशेंट्स राइट्स या मरीजों के अधिकार, C इनपुट, D सपोर्ट सर्विसेज या सहयोगी सेवाएं, E क्लिनिकल केयर या क्लिनिकल सेवाएं, F इन्फेक्शन कंट्रोल या संक्रमण नियंत्रण, G क्वालिटी मैनेजमेंट या गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, H आउटकम या परिणाम। स्टैंडर्ड्स और उन्हें कैसे मापा जाता है इन 8 एरियाज ऑफ कंसर्न से निकलता है। एक उदाहरण के रूप में एक पेड़ का उपयोग करके देखते हैं कि यह मेजरमेंट सिस्टम कैसे काम करती है। एरियाज ऑफ कंसर्न पेड़ों के मुख्य तने का निर्माण करते हैं। पेड़ का मुख्य तना फिर शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। इन शाखाओं की उप शाखाएं होती हैं, जिन्हें कहा जाता है मेजरेबल एलिमेंट्स, और इनमें से प्रत्येक उप शाखा की कई पत्तियां होती हैं, जिन्हें
चेक पॉइंट कहा जाता है। चेक पॉइंट्स NQAS मेजरमेंट सिस्टम का स्तर है जिसे स्कोर किया जाता है। आइए देखें कि HWC उपकेंद्रों के स्तर पर NQAS मेजरमेंट सिस्टम के विभिन्न स्तरों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। एरिया ऑफ कंसर्न H, इन्फेक्शन कंट्रोल के अंतर्गत हाथों की स्वच्छता हैंड हाइजीन एक स्टैंडर्ड है। हाथ धोने की सुविधा की उपलब्धता एक मेजरेबल एलिमेंट है जिसके अंतर्गत साबुन की उपलब्धता एक चेक पॉइंट है। इसी तरह एरिया ऑफ कंसर्न ई, क्लिनिकल केयर के अंतर्गत एंटीनेटल केयर एक स्टैंडर्ड है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन एवं फॉलोअप एक मेजरेबल एलिमेंट है और मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड को अपडेट करना एक चेक पॉइंट है। और एरिया ऑफ कंसर्न बी, राइट्स या मरीजों के अधिकार के अंतर्गत प्राइवेसी एंड डिग्निटी या गोपनीयता और गरिमा के लिए एक स्टैंडर्ड है जिसके अंतर्गत विजुअल प्राइवेसी या दृश्य गोपनीयता एक मेजरेबल एलिमेंट है और स्क्रीन और पर्दे की उपलब्धता एक चेक पॉइंट है। हम आशा करते हैं कि आप इन उदाहरणों से NQAS मेजरमेंट सिस्टम के विभिन्न स्तरों के बीच संबंध को समझ गए होंगे। अब हम NQAS HWC चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। ए, चेकलिस्ट का शीर्षक हेल्थ फैसिलिटी के नाम को दर्शाता है जिसके लिए चेकलिस्ट बनाई गई है। बी, ग्रे रंग की पंक्ति में एरिया ऑफ कंसर्न का नाम होता है जिसमें संबंधित स्टैंडर्ड होते हैं। सी, पीली पंक्ति में उस स्टैंडर्ड का विवरण होता है जिसे मापा जा रहा है। डी, नीले रंग में चेकलिस्ट के सबसे बाएं कॉलम में स्टैंडर्ड और मेजरेबल एलिमेंट की रेफरेंस नंबर होती है। रेफरेंस नंबर एक स्टैंडर्ड की पहचान और पता लगाने में मदद करता है। ई, दूसरे कॉलम में संबंधित स्टैंडर्ड से जुड़े मेजरेबल एलिमेंट का विवरण होता है। एफ, मेजरेबल एलिमेंट्स के बगल वाले कॉलम में मेजरेबल एलिमेंट्स और स्टैंडर्ड्स को मापने के लिए चेक पॉइंट्स प्रदान किए गए हैं। जी, चेक पॉइंट के बगल वाले कॉलम में मींस ऑफ वेरिफिकेशंस हैं। यह बताता है कि चेक पॉइंट में क्या क्या चेक करने की आवश्यकता है। यह देखे जाने वाले उपकरणों की लिस्ट हो सकती है या देखी जाने वाली प्रक्रियाओं की लिस्ट या उदाहरण प्रश्न जो स्टाफ से पूछे जा सकते हैं या किसी अन्य गाइडलाइन या कानूनी दस्तावेज के संदर्भ में। एच, अगले कॉलम में उपयोग की जाने वाली असेसमेंट मेथड प्रदान की जाती है। यह एक विचार प्रदान करता है कि चेक पॉइंट के बारे में जानकारी कैसे एकत्र की जाए। आई, अगला एक खाली कॉलम दिया गया है जहां चेक पॉइंट के लिए स्कोर लिखा जाना है। तीन प्रकार के स्कोर संभव हैं: फुल कॉम्प्लायंस, पार्शियल कॉम्प्लायंस एंड नॉन कॉम्प्लायंस। स्कोरिंग कैसे करें अगले मॉड्यूल में सिखाया जाएगा। जे, अगला एक रिमार्क सेक्शन दिया गया है। जब भी पार्शियल कॉम्प्लायंस या नॉन कॉम्प्लायंस दिया जाता है तो इसे असेसर द्वारा भरा जाना चाहिए। चेकलिस्ट NQAS मेजरमेंट सिस्टम में असेसमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरण हैं। प्रत्येक प्रकार की फैसिलिटी के लिए लागू चेकलिस्ट की संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए, जिला अस्पताल के NQAS असेसमेंट के लिए 21 अलग अलग चेकलिस्ट का उपयोग किया जाता है। HWC के लिए एक एकीकृत चेकलिस्ट का उपयोग किया जाता है। इसके साथ हम NQAS मापन प्रणाली पर इस मॉड्यूल के भाग एक को समाप्त कर देंगे। भाग दो में हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ असेसमेंट, कैसे और कब उपयोग करें, NQAS स्कोरिंग के नियम, NQAS स्कोर कार्ड्स
उन्हें कैसे समझें। धन्यवाद।